गुड इवनिंग एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? एंड कैन यू सी मी? जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर, सी टाइप कीजिए। हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार सेशन। एक्चुअली कुछ और बड़ा प्लानिंग में कर रहा था। अच्छा ये बताओ, मेरी आवाज एको हो रही है क्या, या क्लियरली आवाज आ रही है? एको तो नहीं है ना आवाज में? बिकॉज ये रूम थोड़ा खाली है, एंड एक्चुअली ये मेरा पुराना रूम हुआ करता था, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। हाँ थोड़ा सा इको हो रहा है, एक सेकंड रुको, मैं जरा माइक को ऊपर कर लेता हूँ। ओके अब आ रही आवाज क्लियरली? आई होप अब क्लियरली आ रही आवाज। चलिए, सो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कुछ सवाल पूछूंगा आप लोगों से, बहुत सारे लोग चलेगा उतना नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। लिटिल बिटी को प्लीज एडजस्ट कर लेना, बिकॉज ये रूम थोड़ा खाली है। ये रूम मेरे पहला पुराना रूम हुआ करता था, काम चल रहा है, दैट इज व्हाई खाली सा है ये रूम, ठीक है? सो प्लीज एडजस्ट विद दैट। एंड आप सभी को ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग अगर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? प्राइवेट वीडियो रहेगा ये कुछ टाइम तक, बिकॉज आप सभी ने लाइक आपको मैंने लिंक्स भेजे हैं, तो आइदर यहाँ वहां से कहीं ना कहीं से आप मुझसे कनेक्टेड हैं, दैट इज वाई आपको ये लिंक मिला है। नहीं तो ये लिंक पब्लिकली सबको नहीं दिया है मैंने, ठीक है? सो यू कैन से कि आप सभी लोग मेरे प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? एंड इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे बेसिक बैच में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे स्पीड बैच में हैं, एंड लाइक सभी लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? सो आज भी आप बहुत कुछ सीखने आए हैं। एंड मेन हमारा आज का जो मुद्दा है, द मेन थिंग विच वी विल बी टॉकिंग टुडे इज अबाउट एसएससी स्टेनोग्राफर स्ट्रेटेजी, ठीक है? सो सेशन स्टार्ट करने से पहले, आप तो इससे भी और बड़ा एक सेशन आने वाला है, जो एसएससी स्टेनोग्राफर के फील्ड में सबसे बड़े बड़े टीचर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट बिग टीचर्स, उन सभी को मैं इकट्ठा लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है? कब क्या होगा पता नहीं है, बट सभी को सबसे पहले एक काम करना है, ठीक है? एक काम ये है, 85910906 1, दिस इज स्टेनो स्कूल का व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? प्लीज एवरीवन सेव दिस नंबर, ठीक है? सभी लोग इस नंबर को सेव कर लीजिए, सो दैट आप लोगों को जो भी मैं अपडेट्स दूं, ठीक है, वो अपडेट्स आप लोग को मिल जाए। एंड किसी को मैंने कोई भी, बिकॉज मैंने पहले बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप में होता क्या है, कोई लड़का किसी लड़की को मैसेज कर देता है, कोई कुछ होता है, कभी कुछ होता है, दैट इज अ कोई ग्रुप नहीं बना रहा हूँ मैं, सिंपल ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रहा हूँ, सो दैट जितने भी मेरे क्लोज इनर सर्कल में मेंबर्स हैं, सभी लोग को अपडेट्स मिल जाए, क्योंकि ऐसे सेशंस बहुत होने वाले फ्यूचर में, आप लोगों को बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी, ठीक है? चलिए, सो सबसे पहले किस किस ने एसएससी स्टेनो का फॉर्म भर दिया? फॉर्म भर दिया है तो बी टाइप करो, बी मतलब बी से भर दिया, ठीक है, बी टाइप कर दो। चलिए देखते हैं ऑडियंस कैसी कैसी है यहाँ पे, ठीक है? और जिसने नहीं भरा है फॉर्म अभी तक, एन बी टाइप करो, एन बी मतलब नहीं भरा, ओके? सो दिस विल बी आवर सेशन, ओके? भर दिया, भर दिया, प्रीतम ने भर दिया, पलक ने नहीं भरा, ओके, शाहजी ने, अभिषेक, नवनीत, अग्नि, रश्मि, हितेश, और कौन है, शिफाली ने भर दिया, मनीष आज भरेंगे, ओके, शहबाज ने भर दिया है, अंजलि ने नहीं भरा है, शहबाज ने भी नहीं भरा है, ओके। सो ओके ओके, रुक जाओ रुक जाओ, जिस जिसने भी नहीं भरा है, मेक श्योर आप आज के सेशन के बाद में भरे, बिकॉज मैं आपको बहुत सारी क्लैरिटी देने वाला हूँ, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, बहुत कुछ समझने मिलेगा आज के सेशन में। छोटा रखेंगे, एंड में आप सभी के Q&A सेशन होगा, ठीक है? लास्ट में एक 10-15 मिनट्स का मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, बिकॉज जो बच्चे लाइव आए हैं सिर्फ उन्हीं को ये Q&A सेशन की फैसिलिटी मिलेगी। सो एंड में रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग में बहुत सारे डाउट्स आपके लूंगा, ओके? सो मैं अप्लाई करेंगे क्या पता नहीं, देखते हैं मेरे मूड पे, अभी तो फिलहाल नो है, विल सी अबाउट इट, ठीक है? सो आज के सेशन में मैं आपको बेसिक बता दूं कि कितना क्या एसएससी स्टेनो का होने वाला है। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं, और उन पॉइंटर्स पर ही हम बात करेंगे, सो दैट मैं टॉपिक से यहाँ वहां ना जाऊँ। एंड इसके बाद में आज के इस कंप्लीट सेशन में आपको सबसे पहले तो लॉट ऑफ वैल्यू, लाइक आवर सेशन ऑलवेज इट्स फिल्ड विथ लॉट ऑफ वैल्यूज, एंड ऑल द न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने हाल फिलहाल में एडमिशन लिया है हमारे क्लास में, वंस अगेन वेलकम टू द स्टेनोग्राफर करियर अकेडमी। वी आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन स्टेनोग्राफर्स, हम कहीं भी और यहाँ वहाँ हमारा ध्यान नहीं है, इंग्लिश स्टेनो इज वॉट वी डील इन। आप सभी को शॉर्ट हैंड सिखाकर, एक स्टेनोग्राफर बनाकर, एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन देना, यही इस एकेडमी का मेन पर्पस है। अब चाहे वो स्पीड बैच में हो,
चाहे वो शॉर्ट हैंड बेसिक सिखाकर हो, चाहे आपको कुछ डायरेक्शन देके, करियर क्लैरिटी देकर, कुछ भी देकर हो, हर जगह से पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बहुत सारे बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सभी लोग को इस एक नॉलेज के सोर्स से बहुत सारी नॉलेज मिल रही है. दैट इज वॉट आई एम ऑल अबाउट, गिविंग नॉलेज एंड हेल्पिंग ईच एंड एवरी डिजर्विंग स्टूडेंट. ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस को यहाँ पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड आती है? अगर शॉर्ट हैंड आती है तो यस का वाई टाइप कीजिए, अगर शॉर्ट हैंड नहीं आती है इंग्लिश शॉर्ट हैंड तो एन टाइप करो, एन मतलब नो. ठीक है, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि भाई कोई न्यू भी है, कोई नया. अच्छा, सभी को आती है शॉर्ट हैंड, नवनीत को नहीं आता. नवनीत आप तो, आपने आज ही एडमिशन लिया है सो आप तो सीख रहे हैं. शहबाज अली को नहीं आती है, इट्स अभी भी बोल रहे नो नो. ओके, याशिका इज सेइंग नो. याशिका आप भी हमारे बेसिक बैच के स्टूडेंट है, तो आई थिंक यू आर ऑल्सो लर्निंग शॉर्ट हैंड. ठीक है, अच्छा रश्मि को भी नहीं आती है, रश्मि हमारे स्पीड बैच के स्टूडेंट है, अक्सर यहाँ वहां पर इनको आई एम न्यू हियर. ओके ठीक है, चलो जिसको नहीं आती है फर्स्ट देखो, हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, स्टार्ट मेकिंग नोट्स. अगर आपके पास में पेन पेपर रखा हुआ है सेशन में मिलने वाले, भूल जाओगे बाद में, सो मेक श्योर आप उसके नोट्स बना ले. ठीक है, एक लाइन में लिख लो, और डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में लिख लो जो भी मैंने बताया आपको. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को शॉर्ट हैंड आनी चाहिए. अब इतना स्टार्ट कर दिए हैं सो दैट इज ऑल्सो फाइन. दो से तीन मिनट शॉर्ट हैंड का बेसिक कोशिश करो, बेसिक खत्म करें, बिकॉज जैसे हमारे चैप्टर चल रहे हैं वहां पे कोशिश करो फटाफट से स्पीड पकड़े. एंड सभी लोग मुझे नोट्स जरूर भेजा करिए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपने प्रैक्टिस की है उसके नोट्स मुझे देखने हैं, बिकॉज तभी मुझे पता चलेगा कौन सीरियस स्टूडेंट है और कौन बस टाइम पास कर रहा है. ठीक है, मुझे चाहिए कि आप एटलीस्ट जिस दिन एसएससी स्टेनो का सीबीटी देकर आए, आपकी 60 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए. ये हमारा टारगेट है एंड इसी टारगेट के साथ हम आगे चल रहे हैं. अब बहुत सारे बच्चे 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप आराम से करिए. अगर आपकी एज कम है, आपके पास में कोई प्रेशर नहीं है, जॉब का प्रेशर नहीं है, तो डेफिनेटली आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं. बट जिनको वो रॉकेट की तरह एकदम कंबशन उसके होता है, लाइक थ्रस्ट एकदम हाई रहती है, जिसको रॉकेट की तरह जाना है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. ओके, सो अब इसके बाद में करना क्या है कि शॉर्ट हैंड सबसे पहले सीखनी है. ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट करो. इंग्लिश शॉर्ट हैंड मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है सर हिंदी सीखे इंग्लिश सीखे, ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर इंग्लिश शॉर्ट हैंड. क्यों, इस पर एक वीडियो यूट्यूब पे आई थिंक बहुत ही जल्द आने वाली है, बट बेसिक मुझे एक्चुअली डांट बहुत पड़ेगी. जितने भी मेरे हिंदी स्टेनोग्राफर्स हैं सभी लोग बोलेंगे यार ऋषि तू ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों वीडियो बना रहा है, बट द रियलिटी जो है अब वो है कि यार थोड़ा सी हार्श रियलिटी है. बट जितने भी एग्जाम के नोटिफिकेशन आते हैं, क्या आपने अगर 10 नोटिफिकेशन देखा है, 10 में से मुश्किल से एक या दो नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट हिंदी में दिखेगा, हर एक नोटिफिकेशन भी आपको इंग्लिश में दिखता है. तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट किस तरफ बढ़ रही है आगे. बिकॉज देखो अब वो जो डिबेट है ना कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश, डिबेट ही नहीं बचा है. अब हिंदी दिवस मना मना के हिंदी को प्रमोट करना पड़ रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड किस लेवल पे हिंदी जा रही है फ्यूचर में आने वाले टाइम पे. देखो मुझे हिंदी से नफरत नहीं है, बट जो फैक्ट है स्कोप ज्यादा है इंग्लिश स्टेनोग्राफर का. ओके, फैक्ट लिख लीजिए, लिख लो इसको, राइट दिस पॉइंट डाउन कि स्कोप इज मोर ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर. और आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारा स्टेनोग्राफर एम्प्लॉयमेंट मॉडल ये कोर्स देखा हुआ है, और जिस जिसने नहीं देखा है मेक श्योर आप इस सेशन के बाद में SEM सेम टाइप करके मुझे व्हाट्सएप पे जो आपको नंबर बताया मैंने 8591090661 इस नंबर पे आपको सेम लिखना है. आपको वो मैं कोर्स का डिटेल दे दूंगा, बहुत ही सस्ता सा कोर्स है, 3 दिन की पावरफुल वर्कशॉप है, आपको सब कुछ पता चलेगा इस वर्कशॉप में, जीरो से लेकर टॉप तक के एक स्टेनोग्राफर कहां तक जा सकता है. एक पार्लियामेंट रिपोर्टर जो कि स्टेनोग्राफर का जेनिथ है, टॉप है, पैरामाउंट उसका एकदम टॉप है, वहां तक कैसे जाना है, क्या तरीका है. एक पार्लियामेंट रिपोर्टर की सैलरी कितनी होती है पता है, 1,20,000 रुपए मंथ उसकी सैलरी होती है, समझिए इस चीज को. इसके अलावा जो उसके फोन में, मेरा एक फ्रेंड है, दैट इज अ, मुझे देखो हर चीज जो मैं बता रहा हूँ ना यहाँ वहां से यूट्यूब से वीडियो देख के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप लोगों से कनेक्टेड हूँ मैं, दैट इज मैं आपको इतना अंदर की बात लेके आता हूँ. ठीक है, पार्लियामेंट रिपोर्टर के फोन में कॉन्टैक्ट, मोबाइल फोन में उसके पास में पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी, सारे बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड किस लेवल की पावर होती है पार्लियामेंट रिपोर्टर की, ऑल बिकॉज ऑफ पावर ऑफ शॉर्ट हैंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको पावर ऑफ शॉर्ट हैंड समझ में आ रही है तो PS टाइप करो, PS इज पावर ऑफ शॉर्ट हैंड. जितने भी स्टेनोग्राफर्स यहाँ पे हैं, मैं चाहता हूँ इस स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड को हम इस लेवल पे ले जाए जो इंडिया में
मरती जा रही है, धीरे धीरे डेड हो रही है, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन डेड नहीं हो रही है। मुझे मालूम है किस लेवल के मेरे पास इंक्वायरी आ रहे हैं। लाइक एक दिन में मेरी उंगलियां दर्द करने लग जाती चैट में उनको बताते बताते, इतनी इंक्वायरी आ रही है। देखिए सभी का पीएस आने लगा है, जिस जिसने भी सेम दे नो मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस लेवल की नॉलेज वहां पे सेम में आपको मिल रही है। ठीक है, 3 दिन की बहुत पावरफुल वर्कशॉप है, आई विल डेफिनेटली रिकमेंडेड, बिकॉज ऐसे स्टेनोग्राफर जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने उसे देखा है, उन्होंने उसकी तारीफ की है कि भाई ये कोर्स वर्थ इट है। जो शॉर्ट हैंड सीख रहा है वो लोग भी, जो सीख चुके हैं वो लोग भी, जो जॉब में है वो लोग भी, वेरी पावरफुल कोर्स। ओके, सो सैम आपने देख लिया, ये कर लिया, आपने शॉर्ट हैंड सीख ली, ये मेरा मेन बताने का मतलब था कि आपको स्किल टेस्ट, देखिए स्किल टेस्ट के एस्टिमेटेड डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, जैन फेब या मार्च, ये 3 महीने में कभी भी स्किल टेस्ट हो जाएगा। लिख लो इस चीज को कहीं पर भी, या तो जैन एंड या तो फेब या मार्च, ये 2 से 3 महीने में आपका या तो शॉर्ट हैंड टेस्ट हो जाएगा, या तो डेट आ जाएगी, या तो रिजल्ट आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखो मैं डीओपीटी में नहीं बैठा हूँ, इवन जो डीओपीटी में बैठे हैं वो लोग भी इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी, एक हफ्ते में होता है। ठीक है, डिसीजन लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, एक मीटिंग बैठती है, सब लोग आपस में देखते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है, क्या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, और फटाफट से निकाल देते हैं। दैट इज व्हाई कोई भी गेस नहीं कर सकता एग्जैक्टली, बट एस्टिमेट यही है कि जैन फेब या मार्च इसमें आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। ओके, सो आपको देखना है कि जिस दिन आप सीबीटी एग्जाम देकर आए, आपकी एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि यार मैं ग्रेड डी तो निकाल ही लूंगा, और उस दिन से आपको फिर शॉर्ट हैंड की तैयारी चालू करनी, स्पीड बैच में जो है एनरोल कर लीजिए, या फिर सॉफ्टवेयर यूज करो, या यूट्यूब पे देखो, कहीं से भी आपको शॉर्ट हैंड फटाफट से तेजी लानी है। ठीक है, उस टाइम पे वैसे मैं एक और सेशन कर दूंगा, तो कोई वरी नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपको सेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगेन अब इसके बाद में यहाँ पर इस सेशन में आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलने वाली हैं आज, जो मैंने अभी तक वीडियो बनाया भी नहीं है जिन टॉपिक्स पर। ठीक है, कंप्लीटली प्रीमियम एकदम हाई क्वालिटी कंटेंट आपको आज यहाँ मिलने वाला है। अगले 30 मिनट में फटाफट से हम ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट्स मत पूछना, कोई भी हैंड मत रेस करना, कोई भी बीच में डिस्टर्बेंस मत करना। ठीक है, मेरा फ्लो टूट जाता है, सो मेक श्योर आप फटाफट से ध्यान दें, जिसको जो बात मिल रही है वो है ना, वो जैसे रणछोड़ दास था 3 इडियट्स में, जहां पे जिस नॉलेज मिले बस उसको नॉलेज इकट्ठा करने की। तो आप लोगों को पेन पेपर लेकर बैठना है, जहां से जो नॉलेज लगे कि भाई ये मेरे काम का, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। बाद में रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखने वाला है, जितने लोग लाइव आए हैं आप लोग को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, रिकॉर्डिंग जो देखेगा वो तो उनकी अलग बात है, बट फटाफट से आप लोग रिकॉर्ड कर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो अब इंग्लिश टाइपिंग किस किस को आती है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश टाइपिंग, ये जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में टच टाइपिंग किस किस को आती है, फटाफट से बताओ। टाइपिंग का टी टाइप करो, जस्ट टाइप टी। ठीक है, अगर टाइपिंग आती है आपको तो टी टाइप करो। ओके, काफी लोग को आ रही, काफी लोग को आती है, गुड गुड। देखो जिस जिसको नहीं आती ध्यान दे दो, ये सब बच्चे आपके साथ में कंपटीशन में उतरने वाले हैं। ठीक है, अब टाइपिंग की स्पीड किस किस की 40 वर्ड्स पर मिनट है, 40 शब्द प्रति मिनट किस किस की इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड है, वो वाई टाइप करो, वाई फॉर यस। ठीक है, यस टाइप करो। ओके, काफी लोग, मनीष है, पलक है, प्रीतम है, एंड रश्मि है। 40, क्वालिफाइड नहीं चाहिए, टाइपिंग स्पीड है क्या, क्वालिफाइड छोड़ दो, अभी टाइपिंग स्पीड है ये मेन है। ठीक है, याशिका सिंह यस, अभिषेक कुमार, रुपेश, सोनाली, चलो काफी बच्चे हैं। सो एग्जाम में टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए, 40 to 50 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में, अब देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एम फॉर ग्रेड सी, ग्रेड सी मतलब 100 वर्ड्स पर मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट को ही टारगेट लेके चलना है। डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छी पोस्टिंग ग्रेड डी की मिलेगी, लेकिन ग्रेड डी को लेकर चलोगे तो होम टाउन तो छोड़ दो, यहाँ वहां कहीं भी पोस्टिंग मिल जाएगी, साउथ में मिल जाएगी, गुजरात में मिल जाएगी, मतलब आपके घर से बहुत दूर मिल जाएगी। ओके, अगर आप मुंबई में रहते हो तो फिर शायद मुंबई मिल जाएगा, बट जो इसके बाहर के हैं उनको प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए टाइमिंग ज्यादा रखो, क्योंकि वो होता है ना कि जो स्पोर्ट्स होता है, एथलेटिक्स होता है, वो जो जैसे नीरज चोपड़ा को किसने जेवेलिन थ्रो करते हुए देखा है, देखा है वो कैसे भागते हैं, वो जो फुल फोर्स लगा के वहां पे फेंकते हैं जेवलिन, 3 चांस मिलते हैं उनको, जेवलिन चांस मिलते हैं, उसमें से 1 या 2 इनवैलिड हो जाते हैं, बट वो जो उनका भागने का स्प्रिंट है ना, उतना छोटा सा, वो उनका पूरा करियर डिसाइड करता है, पूरा गोल्ड मेडल मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, ब्रॉन्ज मिलेगा, वो जो रन अप लेते हैं, तो वही रन अप आपके लिए, वो जो एग्जाम में शॉर्ट हैंड है ना, जब आपने शॉर्ट हैंड डिक्टेशन सुना, एक एक शब्द, एक एक आउटलाइन जब आप लिख रहे हो, एक एक आउटलाइन आपको अपने ड्रीम पोस्ट के पास या दूर ले जा सकता है। ठीक है, मैं आपको प्रेशर में नहीं डाल रहा, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ कि आपको इस लेवल का कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपको इस लेवल की शॉर्ट हैंड आनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज बहुत बार देखा गया है कि, अच्छा मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कितने बच्चे सीबीटी निकाल लेते हैं
बहुत बार सीजीएल सीएचएसएल यहाँ वहां से बच्चे आए, बिकॉज सीबीटी इतना भी टफ नहीं है कि निकाले नहीं पाओगे, ठीक है, आराम से 130 120 मार्क्स क्वालिफाई कर लोगे। ऑफ कोर्स 120 130 नंबर में कुछ नहीं होने वाला है, कट ऑफ कितनी जाएगी आप किसमें से किस किस को जानना है, कट ऑफ सर कट ऑफ बता दो, 2023 का कट ऑफ कितना है जानना है किसी को, सी टाइप करो, सी जल्दी जल्दी सी टाइप करो, मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ अभी इसी सेशन में। ओके, सभी को जानना है, काफी लोग को, यस काफी लोग बता रहे 150 अप्रॉक्स। ग्रेड डी के लिए 1100 वैकेंसी आई है, ठीक है, 1100 के आसपास वैकेंसी आई है ग्रेड डी के लिए, आराम से 145-150 कट ऑफ जाने वाली है। अब यूआर यूएससी एसटी ओबीसी किसी को पूछना नहीं, सर मेरी बता दो मेरी बता दो, क्यों कट ऑफ बताइए, सेफ पोस्टिंग के लिए, ठीक है, दिल्ली चाहिए, लखनऊ चाहिए, गुजरात चाहिए, राजस्थान, बिहार, एमपी, जो भी जिसको जो भी चाहिए, ठीक है, नॉर्थ साइड ऊपर ऊपर के जिस जिसको चाहिए सबको 150 नंबर के ऊपर लेके आना है, ये आपकी कट ऑफ है, ये आपका टारगेट है, ठीक है। अब उसमें बैक कैलकुलेशन करो, मैं बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारा सेशन हुआ था इंग्लिश के ऊपर, डीपली मैंने 1.5 घंटा इंग्लिश पर बात किया था, बहुत डीप सेशन था, कैसे इंग्लिश में स्कोर करें हर एक चीज पर डिस्कस किया है, ठीक है। उस सेशन को आपको इस सेशन के बाद में देखना है, आप सभी को लिंक मांगना है, ठीक है, इंग्लिश सेशन लिंक व्हाट्सएप करना है, बिकॉज कितने बच्चे यहाँ पे 22-23 जितने बच्चे 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का मुझे व्हाट्सएप आना चाहिए सर इंग्लिश सेशन लिंक, ठीक है, इंग्लिश सेशन लिंक आपको व्हाट्सएप सेशन के बाद करना है, आपको मैं वो सेशन का लिंक दे दूंगा, वहां पर इंग्लिश के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, ठीक है। और ऐसा ही एक सेशन जीएस के ऊपर हुआ था जहां पर मैंने कंप्लीट स्टैटिक बताया है, करंट अफेयर्स बताया है, सब्जेक्ट बताया है, कैसे पढ़ना है, लूसेंट पढ़नी है नहीं पढ़नी है, कब पढ़नी है क्या पढ़नी है, वो सब चीजें बताई है, ठीक है। ये सब मोटा मोटा आपको प्रॉपरली इंडिविजुअल वीडियो मिल जाएगा, अब यहाँ पे वही सेम चीजें मैं रिपीट करूं डजंट मेक एनी सेंस, डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अब बताइए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, शिफाली बोल रहे यूआर के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, देखो वही बोला ना मैंने अभी, मत पूछो 150 लाने पर डिजायर्ड स्टेट मिल जाएगा क्या, बोल नहीं सकते, लेकिन 150 लाने पर इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई एग्जाम क्वालिफाई को नौकरी लग जाएगी। देखो भाई अब देखो फिर डिपेंड करता कि नोटिफिकेशन में बाद में और टेंटेटिव वैकेंसी, फाइनल वैकेंसी नहीं है, फाइनल वैकेंसी जब आएगी अगर जिस जिसके 150 के ऊपर नंबर होंगे वो रिलैक्स रहेगा, जिसके 130 135 140 रहेंगे वो 10 ग्रुप में जाएंगे, सर मेरी इतनी कट ऑफ है क्या मैं क्लियर कर दूंगा, सर मेरी इतनी कट ऑफ है क्या मैं क्लियर कर दूंगा, वो लोग यही काम करेंगे, जिसके 150 के ऊपर नंबर आए हैं वो रिलैक्स रहेगा, ठीक है। रिलैक्स रहने के लिए मैंने बोल दिया बाकी के जितना नंबर ला उतना कम है, एमईए चाहिए 170 नंबर लेके आओ, ठीक है, एमईए में भी दोबारा बढ़िया ग्रेड डी की पोस्ट काफी है, 15 एमईए में, ठीक है, सो बढ़िया बढ़िया सीट्स आई है, अपना अपना टारगेट रख लो, डिसाइड कर लो और उसके हिसाब से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इंग्लिश सेशन आपको देखना है, उसमें मैंने आपको रिसोर्सेस शेयर की है, मैंने और एक और टेलीग्राम ग्रुप भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर करता हूँ, जहां पर आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी ये मिलने वाले हैं, क्या बोलते हैं, पीडीएफ वगैरह और बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। सो एक सेकेंड, मैं आपको ये रहा शेयर्ड लिंक, इनवाइट वाया लिंक, कॉपी लिंक, अच्छा आई थिंक गूगल मीट पर शायद ये लिंक चलेगा नहीं, यहाँ पर अगर मैं डाल दूं ये लिंक पर क्या आप लोग क्लिक कर सकते हैं, इज दिस लिंक क्लिकेबल, अगर क्लिक हो सकता है तो क्लिक करके फटाफट से सब लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है, अगर कोई नहीं है इस ग्रुप में तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो तो इस ग्रुप में आपको मैं इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे आपको बेसिक से पढ़ना है, और आई थिंक वो कॉपीराइट वगैरह कुछ आजकल आ जाता है तो वो कॉपीराइट का अगर इश्यू रहेगा तो सब लोग इंडिविजुअली मांग लेना, जिसको जिसको जो जो चाहिए मुझसे इंडिविजुअली मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। ओके, देखो 30 बच्चे यहाँ पे हैं, 30 बच्चे मैं चाहता हूँ कि 30 बच्चों का एटलीस्ट सिलेक्शन के पास में ले जाऊँ, ठीक है, लिंक कांट बी रीच, ओके नो प्रॉब्लम, यू विल गेट दैट लिंक, व्हाट आई कैन से, स्टेनोग्राफर्स मास्टरमाइंड, ठीक है, दिस इज द स्टेनोग्राफर मास्टरमाइंड, ठीक है, मनीष बोल रहे हो गया, पता नहीं आप लोग का क्यों नहीं हो पा रहा है, स्टेनोग्राफर मास्टरमाइंड ग्रुप का नाम इस पे सर्च कर लेना टेलीग्राम पे और ज्वाइन कर लेना, ओके, पब्लिक ग्रुप है वो, वहां पे आपको बहुत कुछ वैल्यू मिल जाएगी, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेरे में तो हो रहा है, जिस किसी में हो रहा है सब लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लो, ओके, वहां पे आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। अब बताओ किस किस ने एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम पहले दिया हुआ है, आपने नहीं, एक मिनट रुको, अभी मत बताओ, सबसे पहले देखो कहाँ गया यार, हाँ फर्स्ट टाइम कौन कौन एसएससी स्टेनो का एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग बिगिनर हैं, तो अगर आप पहली बार एसएससी स्टेनो का एग्जाम अभी देने वाले हो तो आप बिगिनर हो, बिगिनर का बी टाइप करो, बी फॉर बिगिनर, ठीक है, मुझे देखना है ऑडियंस कौन 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 सी है,
काफी सारे लोग हैं यार, इतने सारे लोग पहली बार दे रहे हैं। वाह, याशिका है, रश्मि है, अभी है, काजल है, विकास है, शाबाज, शिफाली, हितेश, सुश्री, अंजलि, नवनीत, अभिषेक, संजय, रुपेश, जुगल। ओके, इतने सारे लोग फर्स्ट टाइम। अब कितने सारे लोग थर्ड टाइम? जो लोग सेकंड या थर्ड टाइम दे रहे हैं वो लोग को एम टाइप करना है। एम टाइप करो सेकंड या थर्ड टाइम वाले फटाफट से। शार्गिल सेकंड टाइम, अभिषेक, अग्नि सेकंड टाइम, सोनाली सेकंड टाइम, अर्कती मुखर्जी एंड प्रीतम मनीष। ओके ओके, अब कौन कौन से बच्चे थर्ड फोर्थ या फिफ्थ टाइम दे रहे, चौथी पांचवी बार दे रहे हो? तो भाई आप एडवांस हो, एडवांस का ए टाइप करो। कोई है यहाँ पे? आई डोंट थिंक फोर्थ या फिफ्थ टाइम कोई दे रहा होगा एग्जाम को, बिकॉज चौथी बार में तो सिलेक्शन हो जाता है। पलक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। पलक आई थिंक इस बार तो पलक कुछ बहुत अच्छा लेके जाने वाले, बिकॉज आज ही मैंने इनका बहुत अच्छा स्टेटस शेयर किया है। शी इज वेरी डेडिकेटेड, एंड ऐसे कुछ बहुत ही डेडिकेटेड लोग स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं, जिनका देखो कैसा है ना कि जो स्टूडेंट जाती है, ठीक है, पता चल जाता है कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। ओके चलो, अब मैं बताने वाली है। फर्स्टली ध्यान से सुनो, लिसनली, फोन ऑन बंद कर दो, पूरा अटेंशन यहाँ पे। ओके, फोकस यहाँ पर। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो क्या आप क्रैक कर सकते हो? यस। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो क्या 2 महीने में क्रैक कर सकते हो? यस। क्या इम्पॉसिबल है? यस। सर ये क्या बात कर रहे हो आप, पॉसिबल और इम्पॉसिबल दोनों? यस। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आप स्टूडेंट हो, सेकंड आप जॉब करते हो, थर्ड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फोर्थ आपके अंदर कितनी आग लगी है जॉब लेने की। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब मैं आपके घर पे आके देख नहीं रहा हूँ आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो, किस टीचर को फॉलो करते हो किसको नहीं फॉलो करते हो, कितने टाइम आप पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले जो लोग को कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है, यू हैव जीरो आइडिया कि क्या होता है इंग्लिश, क्या होता है रीजनिंग, मैं बढ़िया बढ़िया टीचर्स, बढ़िया बढ़िया प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मेक श्योर आप इन्हीं टीचर्स को फॉलो करो, ठीक है। और अगले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते बहुत सेशन होने वाला है। आई थिंक उस सेशन में मोर देन 100 से ऊपर बच्चे रहेंगे, 100-200 बच्चे रहने वाले हैं। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहना, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी उस सेशन की, ठीक है। बहुत बड़ा सेशन होगा, उस सेशन में इंग्लिश की स्पेशल टीचर आएंगे, रीजनिंग के स्पेशल टीचर आएंगे, जीएस के स्पेशल टीचर आएंगे, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज, किसी को भी 1 रुपए नहीं देना है। वो सेशन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेस मिलेंगे, इंग्लिश का कंप्लीट रिसोर्स मिलेगा, और ऐसे कोई आंडू पांडू सा रिसोर्स नहीं मिलने वाला है। वो ऐसे रिसोर्स रहेंगे जिसको पढ़ के आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, एटलीस्ट आप जहां 0 थे उसके थोड़े पास पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे इसमें से नेगेटिव हैं, बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव हैं, और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि क्या सोचना है। मतलब सर आपकी बातें सुन के तो लग रहा है कुछ ना कुछ हो पाएगा, लेकिन क्या सच में हो पाएगा क्या? देखो चमत्कार होते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे मोटिवेशन स्पीच देने नहीं आया हूँ। अब आपके क्या है ये आपको पता है, आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब है, पापा की कितनी तनख्वाह है, घर में पैसे कितने आते हैं, कुछ किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? पढ़ाई करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। जब मेरे पिताजी की जॉब गई थी, ही लॉस्ट हिज जॉब, कोविड का टाइम था, उस टाइम पर मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन थे। या तो मैं घर से बाहर निकल के जॉब कर सकता था, आई हैड दैट स्किल, मेरे पास वो स्किल्स थे कि मैं जॉब एक पकड़ू, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं अभी नौकरी करूंगा कुछ यहाँ वहां पैसे कमाऊंगा थोड़े बहुत, तो पैसे तो कमा लूंगा, लेकिन ये हमेशा लाइफ टाइम बस इतने ही पैसे कमा पाऊंगा, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। दैट इज वाई आप लोगों के टाइम में जितनी भी आपकी एज है, 18, 20, 25, 22, 28, सबकी अलग अलग एज है, जो भी आपकी एज है, आपको आपके चैलेंजेस पता है, आपको ये पता है कि कितनी जरूरत है आपको इस चीज की। तो अभी 2 से 3 महीने है, एवरी डे देखो आप इंसान कितना पढ़ सकता है, एवरी डे इंसान का जो फोकस रहता है, दिमाग का जो फोकस रहता है, वो 4 से 5 घंटे रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है। क्या अगर सिर्फ 4 से 5 घंटा फोकस है तो करे क्या? दिमाग को इस तरह से आपको डिवाइड करना है, इस तरह से पढ़ने, सभी को एप्लीकेबल है, बिगिनर, मीडियम या एडवांस, सभी को समझना है, बिकॉज सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं। अब बिगिनर को हो सकता है बेसिक ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मीडियम वाले को बेसिक नहीं, उसको सॉल्यूशन, उसको मॉक ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, जो थोड़े थोड़े उसको रूल्स गड़बड़ हैं, कहीं कहीं में कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ हैं, वो उसे रिवाइज करना पड़ेगा। और जो एडवांस वाला है उसको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, बस मॉक टेस्ट इज योर ओनली थिंग, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर, बस इससे आपकी नैया पार लग जाएगी, ठीक है। अब तीनों के लिए, जो भी बिगिनर, मीडियम एंड एडवांस है, तीनों के लिए मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, फ्रेमवर्क,
लिख लो इसको कहीं पर, ठीक है, नोट इट डाउन, ठीक है, कैसे करना है, मैं आपको ढांचा दे रहा हूँ, इस ढांचे में आपको खुद अपना टाइम टेबल फिट करना है, अपना आवाज आ रही है क्लियरली? ओके, वो माइक पता नहीं कैसे अपने आप म्यूट हो गया। सो, आप लोगों का शेड्यूल जो भी है वो आपको पता है, आप घर में हो, जॉब करते हो, नहीं करते हो, सब लोग को अपना शेड्यूल पता है। अब आप लोग को इसमें फिट करना है, कैसे फिट करना है, सबसे पहला अपने बुक में सबके मुझे नोट लिखने चाहिए यार, जिस जिस माइक म्यूट जा रहा है पता नहीं क्यों। ओके, सो जिस जिसने नोट्स बनाए हैं आज के सेशन के, मेक श्योर मुझे फोटोज भेजे, ठीक है, मुझे देखना है कि कितने बच्चे सीरियस हैं, ये 30 के 32 बच्चे हो गए, 32 स्टूडेंट्स में से मुझे देखना है कितने बच्चे सीरियसली सच में सेशन को सुना है, वरना फिर होगा क्या, YouTube पे आप स्ट्रेटेजी के 50 वीडियो देखते हो, उसी की तरह आज का भी वीडियो देख के चले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप यहां से एटलीस्ट एक बात भी अगर सीख के गए ना, एक चीज भी सीख कर गए कि भाई ऋषि सर का सेशन अटेंड किया था, उस सेशन ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे ये एक चीज वहां से सीखने मिली। अगर एक चीज भी सीखोगे, एक से ज्यादा सीखोगे, तब तो यार आपकी नैया आराम से पार रख जाएगी, लेकिन सीखना जरूर, ठीक है। सबसे पहली बात, क्लियर योर बेसिक्स, ठीक है, सबको अपना बेसिक क्लियर करना है, चाहे एग्जाम TCS ले, चाहे एग्जाम कोई भी ले, हमेशा बेसिक जिसके क्लियर है वो हमेशा क्वालिफाई करेगा। हम अक्सर सुनते हैं कि इसका CGL भी निकल गया, सॉरी 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 सॉरी, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, मे बी सम इशू इन माय माइक, आई विल मेक श्योर कि अब आगे ना हो, ठीक है। सो बेसिक सभी को क्लियर करना है, चाहे TCS एग्जाम ले, चाहे SSC का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका बेसिक क्लियर। बेसिक किस चीज का, इंग्लिश का बेसिक क्या है वो आपको ध्यान देना है। म्यूट नहीं है, म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है ना क्लियरली, सी टाइप कर दो, साउंड क्लियर, ओके, चलो ठीक है ठीक है, बस 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 पता चल गया। सो बेसिक क्या है, इंग्लिश का आपको मालूम है क्या बेसिक है, वो बेसिक क्लियर करना है। बेसिक के आप लोगों को, चलो मैं अभी जब यहाँ पे लिंक क्लिक हो ही रहा है ना, तो मैं आप लोगों को बढ़िया सा एक चैनल दे रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को चैनल पता होगा, बट जिसको नहीं पता है वो लोग इस चैनल को फटाफट से, अच्छा ओके, इस चैनल में आई थिंक मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप लोग सभी लोग YouTube पे सर्च करो, और YouTube बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे सर्च करना, कंप्लीट इंग्लिश बेसिक्स, ठीक है, ये आप लोग सर्च करना। दिव्यांश विंथरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनसे मैंने इंग्लिश गाइडेंस ली थी, उन्होंने पूरा कंप्लीट बेसिक इंग्लिश के बेसिक फ्री कर दिया है, ठीक है, जो पेड क्लासेस थी वो कंप्लीटली फ्री है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और डोंट वरी, इसके अलावा भी मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं, आई नो जिस जिसको मालूम है उनको पता, इनका एक या तो वीडियो शेयर कर देता हूँ, ठीक है, उनका वीडियो है कंप्लीट इंग्लिश बेसिक वाला, उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना उन्होंने इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश बाय दिव्यांश विठरे, ठीक है। सो देखो, जो अच्छी चीजें हैं वो चीजें तो आपको डेफिनेटली फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। सो ये रहा लिंक, चलिए मैंने लिंक कॉपी कर लिया है, अब मैं आप लोगों को ये लिंक दे रहा हूं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये है टेलीग्राम पे उनका चैनल, ठीक है, जिस जिसको लिंक क्लिक हो रहा है क्लिक करके यहाँ से ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये सभी बातें इसी की हो रही हैं, किस चीज की बातें हो रही हैं, ये सभी बातें आपको रिसोर्सेज शेयर कर रहा हूँ, आपकी स्ट्रेटेजी ही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सेशन कहाँ कर रहा है, ठीक है, कुछ डाउट्स है लास्ट में, कुछ टाइम दीजिए, यस डेफिनेटली आपको टाइम मिलेगा, सब लोग अपने डाउट्स लिख लो, जिस जिसको डाउट है, बस हम सेशन फटाफट से खत्म ही कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा हो चुका है, एंड आई होप मजा आ रहा है क्या आप लोगों को, अब तक सेशन में काफी कुछ सीखने मिल रहा है ना, MAG टाइप करो, जिस जिसको मजा आ गया, MAG मतलब मजा आ गया, जिस जिसको मजा आ गया MAG टाइप करो, चलो मजा आ रहा है, मतलब भाई मैं खुश हूं कि मतलब मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप लोगों को भी अच्छी चीजें सीखने मिल रही हैं, समझ में आ रहा है, रिसोर्सेस मिल रही हैं, ठीक है, चलो चलो, बहुत लोगों को मजा आ रहा है, गुड गुड गुड, चलिए।
सुनिए अब आगे, एक सेकंड और क्या आ रहा है मैसेज, बढ़िया है। हाँ चलो ठीक है, आप अभी आप लोगों के लिए तैयारी चल रही है, जो अगले हफ्ते बड़ा सेशन होने वाला है ना उसी की तैयारी हो रही है, ठीक है। सो आप लोग उसमें अगर यहाँ पे मजा है तो आपको वहां पे तो कुछ ज्यादा ही, मतलब स्क्रीन तोड़ मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। सो क्या हुआ, सेशन ज्वाइन कर, सर आपकी माइक मुझसे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। आप लोगों को सेशन में जाना, वहां पे इंग्लिश के लिए आपको कंप्लीट इंग्लिश का बेसिक मिल जाएगा, बेसिक क्लियर करना, ठीक है। जो भी बिगिनर है, मीडियम है, एडवांस है, समझ में आ गया, बेसिक क्लियर करना है। चाहे रीजनिंग हो, रीजनिंग की भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो प्लेलिस्ट कैसा है कि कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैं चैनल पे शेयर कर दूं तो, बिकॉज किसी का पेड कंटेंट है यार, और हम स्टूडेंट्स को मालूम है कि कैसे पेड को हम फ्री करते हैं, हम सभी को मालूम है, ठीक है। वो हरकतें मैंने भी की है जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अब पढ़ाई नहीं इतना करता तो अब पेड वाले कंटेंट खरीद लेता हूँ चुपचाप पैसे देकर, बिकॉज जिसकी मेहनत है, जिसने मेहनत की है उसको यार उसके पैसे दे देने चाहिए, उसके मेहनत के पैसे हैं। आप लोग ऐसे कंटेंट फ्री क्रैक करके यहाँ वहां से लेते हो ना तो प्रॉब्लम बहुत होती है टीचर्स को। अब जब मैं टीचर बना तो मुझे पता चलता है कि भाई पेड कंटेंट जब कोई चुरा लेता है तो कितना तकलीफ होती है, बट ठीक है कोई बात नहीं। आपको वो रीजनिंग का भी आपको कंप्लीट बेसिक मिल जाएगा एंड यू हैव योर ओन रिसोर्सेज, ठीक है। यूट्यूब पे इतना तो आप लोग को सेंस है कि कैसे ढूंढना है, कैसे चीजों को करना है। पीयूष वार्ष ने बहुत ही अच्छे टीचर हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे एक रुपए नहीं देते हैं पीयूष वार्ष सर, ठीक है। बस अच्छे टीचर हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, रीजनिंग पूरी बैंकिंग लेवल तक ले जाते हैं, इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक। वहां पे आप लोग को जाके कंप्लीट बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। ये बेसिक की बात चल रही है, अब इसके बाद क्या करना है मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इंग्लिश का आपने बेसिक पढ़ लिया, रीजनिंग का आपने बेसिक पढ़ लिया, अब जीएस का बेसिक क्या है, तो जीएस का आपको सेशन देखना पड़ेगा। जो मेरा सेशन है वो सेशन डेफिनेटली आपको अटेंड करना पड़ेगा। उस सेशन में मैंने आपको पीडीएफ दिया है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई है कि जीएस बेसिक से लेकर ऊपर तक कैसे जाना है, ठीक है। सो इस सेशन के बाद में आप लोगों को व्हाट्सएप मुझे करके पूछना है, सर जीएस सेशन वीडियो या जीएस सेशन लिंक, ठीक है, पूछ लो, लिंक मिल जाएगी। ओके ओके चलिए, अब नेक्स्ट बात क्या है, सर मैं वोकैब के नोट्स भेज दूं क्या टेलीग्राम ग्रुप में? बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास बढ़िया बढ़िया कंटेंट है बिल्कुल शेयर करो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, अच्छा कंटेंट है, शेयर करो, जिसको भी वैल्यू मिलेगी वो वहां से लेगा। अपना एम एक ही है, बच्चे पढ़कर सिलेक्शन ले, जिसको जहां से सिलेक्शन लेना है ले सकते हैं। ओके चलिए, अनम्यूट मत करो, मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। बेसिक क्लियर हो गया, बेसिक का बी टाइप करो, जिसको बेसिक समझ में आ गया कि भाई बेसिक क्लियर करना है। एग्जाम कैसे क्लियर करना, मैं यही आने वाले 2-3 महीने आपको पढ़ना क्या है मैं यही बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी यहाँ वहां की बातें नहीं हो रही, ओके। अब बेसिक के बारे में पता चल गया। अब देखो मैं कौन हूँ, मैं शॉर्ट हैंड टीचर हूँ, ठीक है। मैं मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं एक एक स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाऊं, रीजनिंग सिखाऊं, रीजनिंग नहीं, मेरी रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश सिखाऊं, जीएस सिखाऊं, शॉर्ट हैंड सिखाऊं, सब कुछ सिखाऊं, ठीक है, सब कुछ सिखाने का मेरा मन करता है। लेकिन मैं अकेला ही हूँ यार, मैं 3-4 नहीं हूँ, मैं एक ही ऋषि हूँ, ठीक है। अब मैं गुरु सिर्फ एक ही चीज का बन सकता हूँ, कंप्लीट गुरु नहीं बन सकता हूँ, अभी मैं उतना बड़ा नहीं बना हूँ। तो मैं सिर्फ एक ही चीज सिखाता हूँ और वो एक चीज है इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, दिस इज माई कोर एक्सपर्टीज। जैसे वो शार्क टैंक में बोलता है ना कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो ये मेरी एक्सपर्टीज है, शॉर्ट हैंड इज माई एक्सपर्टीज, दैट इज माई फील्ड, आई एम ऑलवेज स्टडिंग, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, मैं सिखाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें से स्पीड बैच में जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें से बेसिक बैच में जुड़े हैं, जो बेसिक सीख रहे हैं, सभी लोग अपने अपने जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यूज ले रहे हैं, दे आर एंजॉइंग व्हाट एवर सेशन दे आर, आई होप, बिकॉज जैसे मुझे रिव्यूज मिल रहे हैं, जैसे ये फीडबैक है, इससे ये पता चल रहा है कि भाई बच्चे ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, ठीक है। जिस जिसको डाउट था मन में कि भाई ऑनलाइन शॉर्ट हैंड नहीं सीख सकते, उन सभी के डाउट्स, बिकॉज अभी एक और स्टूडेंट आ गए, हिरल हो गए हैं, शी इज ऑल्सो वन ऑफ आवर बेसिक बैच स्टूडेंट, ठीक है। सो जो मन में डाउट थी वो भी क्लियर हो रही है कि भाई ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखी जा सकती है। ऑनलाइन आप यार, आप लोगों को पता है कि किस लेवल पे इंडिया जा चुका है यार, 5G टेक्नोलॉजी कहाँ पे जा चुकी है कि यहाँ पे मोदी जी बैठकर कार चला रहे हैं यहाँ पर, और वो कार वहां जापान या कहीं पर कार चल रही है, ये 5G टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो आप क्या बात कर रहे हो कि शॉर्ट हैंड, जैसे बेसिक नॉलेज आप शॉर्ट हैंड ऑनलाइन नहीं सीख सकते, बुलशिट। आई थिंक पीपल आर लर्निंग, दे आर इंक्रीजिंग स्पीड, एवरीथिंग इज गोइंग क्वाइट वेल। सो बस बात क्या है, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन, लाइफ में हमेशा याद रखना, कोई भी चीज आप शुरू करो, बिकॉज हमेशा चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमेशा आपको लाइफ में डेडिकेशन, डी टाइप कर दो, सभी लोग याद रखो, लाइफ में बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र है, सुनने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन कभी भी किसी भी फील्ड में अगर आपको लाइफ में रिश्ते इंप्रूव करने हैं, मम्मी पापा के साथ रिश्ते, अपने दोस्त के साथ रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, आपको जॉब पर कुछ अच्छा करना है, आपको एग्जाम में कुछ अच्छा करना है, आपको कोई नई स्किल सीखनी है, हमेशा ऑलवेज लाइफ में यू नीड डेडिकेशन, डेडिकेशन बोल लो, कंसिस्टेंसी बोल लो, कुछ भी बोल दो, हमेशा याद है आपको भाग मिल्खा भाग में वो एक सीन था जब वो अपने रास्ते से भटक गया था,
लंदन ओलंपिक्स में गए थे वो लोग, आपको पता है लंदन ओलंपिक्स में क्या हुआ था? मिल्खा सिंह की बहुत ही बड़ी हार हुई थी। क्यों? आपको पता है कि वो रास्ते से हट गए, भटक गए थे लड़कियों के रास्ते में, और मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था लाइफ में। जैसे ही हटे हुआ क्या, ही वॉज अ चैंपियन, और वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से वो हार गए। उसके बाद में आपको पता होगा वो सीन याद है सब लोगों को, कि उसका दोस्त आता है वहां बाल्टी भर के पानी रखा रहता है और उसमें से वो पानी उठा के पी लेता है, बोलता है ये क्या है? उसका कोच बोलता है ये बाल्टी भर के पसीना है, मिल्खा सिंह का पसीना है। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, दिस इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। अभी करना कैसे? अब आपको ये नहीं कि पंखा बंद करके पढ़ाई करना, पसीना निकालना, ये नहीं करना है। जो जहां बैठा है बस पढ़ना है आपको। देखो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, फिजिकल स्ट्रेस एक बार के लिए कर लो, नींद सो लो, आप रिकवर हो जाओगे, बट पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। आई अग्री, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यही मुश्किल काम आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगा। आपको लाइफ में जहां पर भी आप हो, यहां से आपको बेहतर पोजीशन पे सिर्फ एक चीज पहुंचा सकती है। ना तो आपके पास मंत्रियों का कांटेक्ट है, ना तो आपके पास आईएएस पीसीएस अधिकारियां हैं जो आप लोग को नौकरी लगवा सकता है। अब आजकल तो ये लोग भी नौकरी नहीं लगवा सकते। नौकरी सिर्फ लगेगी तो आपके पढ़ाई के दम पर। वही पढ़ाई आपको करना है, आपको बेसिक क्लियर करना है अगले 2 से 3 महीने। बेसिक क्लियर हो गया, डेडिकेशन एवरी डे 2 से 3 घंटा पढ़ाई इसको करो। शॉर्ट हैंड अगर बेसिक सीख रहे हो तो 3 से 4 घंटा वहां पढ़ दो, डिपेंड करता है आपकी स्किल कितनी है, कितना जल्दी आप समझ लेते हो। अगर तो एवरी डे लाइव क्लास भी चलती है, 1 घंटा डेफिनेटली वहां पे आना है कुछ भी करके, बिकॉज आपका इससे लिंक टूट जाएगा। शॉर्ट हैंड नहीं करो तो लिंक टूट जाएगा, फिर एग्जाम के बाद एक आप चालू करोगे और फिर 100 शब्द प्रति मिनट एग्जाम निकलने सारा नहीं निकलने वाला। 2 महीने की पढ़ाई पे अगर नॉर्मल केसी और यूट्यूब से डिक्टेशन लिख रहे हो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? जो जहां पर है आपको वहां पर टाइम देना है। ओके, बेसिक खत्म करने के बाद अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। बेसिक खत्म करने के बाद में, बेसिक खत्म करने में आपको जाएगा 1 से 1.5 से 2 महीना जाएगा, ठीक है? डिपेंड करता है आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो। इंग्लिश एकदम ही जीरो है, एकदम लुल है, कुछ पता ही नहीं है, पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो, तब तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? हो सकता है, नहीं हो सकता, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। चाहो तो मुमकिन करवा दो, नहीं चाहो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? अब वो प्रैक्टिकल और बात और मोटिवेशनल बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डिपेंड आप पे करता है। आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगी, पढ़ाई करो सुबह शाम, एक करो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, हो पाएगा तो ठीक है, नहीं जाओगे ठीक है, अगला एग्जाम निकल जाओगे, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला। सर मैं सोच रहा हूँ कि एमईए अप्लाई करूं, सर इनकम टैक्स बढ़िया है या रेलवे बढ़िया है? अरे नौकरी है क्या आपके पास? बात तो बच्चे ऐसे करते हैं जैसे 3-4 नौकरियां लेके बैठे हैं कि सर बताओ कहाँ चला जाऊं, सबसे बढ़िया एमई है। जाओगे? 170 कट ऑफ चाहिए, 170 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। है तुम्हारे पास? नहीं है ना, तो क्यों बात कर रहे हो? फालतू चीजों में डिस्कशन क्यों करना है? क्या है आपके पास में, कर क्या सकते हो? सर एग्जाम कब हो जाएगा? अरे कभी भी हो जाएगा, नोटिफिकेशन में लिखा है ना अक्टूबर एंड नवंबर में है, तो बस समझ लो उसको, उसी को डेट मान के चलो। पढ़ना, पढ़ाई छोड़ के बच्चे हर काम करते हैं। ये कैसे करना है, सैलरी कितनी है, पर्क्स कितने मिलेंगे, क्वार्टर मिलेगा, ये मिलेगा वो, अरे पढ़ाई करो, पोस्टमैन मत बनो, यहाँ वहां से जानकारी मत इकट्ठा करो। जानकारी जितनी चाहिए वो आपको सीबीटी देने के बाद मिल जाएगी, पहले एग्जाम तो क्लियर करो, ठीक है? बेसिक के बाद में आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। प्रीवियस किसके? सबसे पहला फोकस, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है स्टेनो। स्टेनो का प्रीवियस ईयर आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। क्यों? ताकि आपको ये पता चले कि जॉब, और तैयारी करने से पहले भी एक बार प्रीवियस ईयर देख लेना, ठीक है? लेवल पता चले कि आपने जो बेसिक पढ़ा है क्या पढ़ा है। पहले प्रीवियस ईयर 2021 के सॉल्व कर लेना, 2020 के सॉल्व कर लेना, 2019 के सॉल्व कर लेना, थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर एक आध दो सेट सॉल्व कर ले, ताकि पता चले कि भाई आपका लेवल क्या है। ओके, इसके बाद में जब बेसिक खत्म करो दोबारा सॉल्व कर लेना थोड़े से बेसिक्स, ठीक है? फिर मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। मॉक टेस्ट मतलब टाइमर लगा के आपने, क्योंकि बेसिक पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। अब सुबह शाम मॉक टेस्ट लगाओगे ना, एक दिन एक ही मॉक टेस्ट लगाओगे, तो बचे हुए टाइम में क्या करोगे? प्रैक्टिस करना है, जो बेसिक पढ़ा उसका प्रैक्टिस करना है। जैसे नाउन पढ़ लिया तो नाउन के क्वेश्चन लगाओ, किरण की प्रीवियस ईयर लगाओ, ठीक है? ये सब मैंने आपको इंग्लिश वाले सेशन में बताया है। रीजनिंग वाला सेशन होने वाला है बहुत ही जल्द, आई थिंक वो जो कंबाइंड सेशन होगा उसी में रीजनिंग आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और जीएस के लिए भी आपको पता चल जाएगा। तो आपके डाउट्स में लेता हूँ, ठीक है? डाउट्स थोड़ी देर में लेने वाला हूँ मैं, बस हो गया मेरा ऑलमोस्ट, ठीक है? बेसिक पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, ठीक है? ये आपके अगले 2 से 3 महीने जैसे आपको एडजस्ट करना है वो आप एडजस्ट करो। अब हो क्या रहा है, साथ में शॉर्ट हैंड भी पढ़ते रहना है, बेसिक जो भी कर रहे हैं टाइम आगे पीछे एडजस्ट करो अपना देखकर, कैसे एडजस्ट करना है। मैं बस आपको ऊपर ऊपर मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ये चीजें ध्यान देना। अक्सर होता क्या है, बच्चे इंग्लिश लेके बैठे 2 हफ्ता 3 हफ्ता बस इंग्लिश पढ़ रहे हैं, रीजनिंग छोड़ दिया, जीएस छोड़ दिया, शॉर्ट हैंड छोड़ दिया,
ये नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एवरीडे या एक दिन दो दिन छोड़ के हर चीज पे थोड़ा 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 करो, ठीक है। कैसे करना, क्या करना है वो आपको समझना है, ट्रायल एंड एरर करना है, ओके। अब नेक्स्ट बात क्या है, इसके बाद में हो गया आपका बेसिक, हो गया ये, हो गया। अब मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने हैं। मॉक टेस्ट आपको देवता की तरह नहीं ट्रीट करना है कि भाई मॉक टेस्ट जो भी है मॉक टेस्ट से मॉक टेस्ट, नहीं। मॉक टेस्ट में जितने नंबर आ रहे हैं एग्जाम में समझ लो 5-10 नंबर ज्यादा ही आएंगे, बिकॉज एग्जाम में मॉक टेस्ट है क्या, टेक्स्ट बुक ले लो, ग्रेड अप ले लो, बायजूस ले लो, और फलाना बहुत सारे मॉक टेस्ट है। ये सभी मॉक टेस्ट के मतलब, मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करना, मॉक टेस्ट आपको बस एग्जाम का माहौल रेप्लीकेट कर रहा है, ठीक है। मॉक है वो जो होता है ना, मॉक ड्रिल, उस तरह से वो एग्जाम का माहौल बना। अब बच्चे करते क्या है, मॉक टेस्ट को इतना सीरियसली ले लेते, इतना सीरियसली ले लेते हैं, एक दिन में 4-4, 5-5 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और बस लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। ऐसा मत करो एक दिन में। अब ये मॉक टेस्ट कब लगाना है, बेसिक खत्म कर लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिया, बेसिक की प्रैक्टिस कर ली, ये 2-3 चीज जब हो गई तब मॉक टेस्ट शुरू करो। अब मॉक टेस्ट एक दिन में एक लगाओ या मैक्सिमम 2 लगाओ, ठीक है। अब उसके जो सवाल है वो देखो कि सवाल किस टाइप का आ रहा है, आपको क्या गलत हो रहा है। अगर बार बार आपका इंग्लिश में कंडीशनल स्टेटमेंट के सवाल गलत हो रहे हैं, मतलब भाई ये कॉन्सेप्ट कच्चा है, हमेशा रहने वाला है। एग्जाम के एक दिन पहले भी आपके कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यहाँ वहां रहेंगे, कभी भी परफेक्ट पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। सो परफेक्ट बनना, बन भी नहीं सकते परफेक्ट, लेकिन मॉक टेस्ट से पता ये चलेगा कि जब वो बने कि 40-50 मिनट में इंग्लिश सॉल्व करनी है, 40 मिनट्स में रीजनिंग सॉल्व करनी है, और बचा हुआ 20 मिनट आपको जीएस को देना है। जब ये माहौल में आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, अरे भाई बहुत टाइम दे दिया, अरे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये चीज के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट है, ठीक है। अब रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट में ज्यादा टाइम लग रहा है, डाइस क्वेश्चन में लग रहा है, सीरीज में लग रहा है, तो जहां लग रहा है उस टॉपिक को उस दिन, मतलब एक देखो होगा क्या, आपको कम से कम मॉक टेस्ट 15-20 दिन करना ही करना है, कुछ भी करके 15-20 दिन डेडिकेटेड, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, और अभी नहीं, जब बेसिक खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तब की बात है। मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे एवरी डे, आपको ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। एक रजिस्टर बनाओ अलग से मॉक टेस्ट में, रीजनिंग का अलग रजिस्टर, कि कौन से सवाल में बार बार फंस रहे हो, ठीक है, कहाँ बार बार आपसे नहीं हो पा रहा है, कौन सा आपको ट्रिक समझ। बच्चे बोलते सर रीजनिंग टाइम पर नहीं हो पाता है, सर एग्जाम में ट्रिक ही समझ में नहीं आती, क्यों, क्योंकि आपने उतनी ज्यादा मॉक टेस्ट लगाया नहीं है। मॉक टेस्ट में जो प्रेशर में आपको ये ट्रिक एक मिनट के अंदर अंदर 15-20 मार्क में आनी चाहिए। जब ये लेवल का आपका रीजनिंग हो जाएगी तब एग्जाम में आप आराम से सॉल्व करने लगोगे, ठीक है। रीजनिंग का समझ में आ गया, मॉक टेस्ट का समझ में आ गया, एग्जाम के पास अब धीरे धीरे आप पहुंच गए हो। अगले 2-3 महीने के बारे में मैंने आपको एक ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, बेसिक, प्रीवियस ईयर एंड प्रैक्टिस एंड थर्ड मॉक टेस्ट, ठीक है। ये तीन चीज समझ में आ गई, समझ में आ गई तो एस टाइप कर दो, एस मतलब समझ, बताओ समझ आ गई। ओके चलो चलो, मैक्सिमम मेरे सभी बैच वाले स्टूडेंट्स ही हैं, बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोग भी तो जुड़े हैं आज, बाकी लोग बताओ यार समझ में आ रहा है कि बस मैं प्रवचन दे रहा हूँ, बाबा जी का प्रवचन लग रहा है क्या आपको, प्रवचन नहीं, प्रैक्टिकल टिप्स हैं लाइफ के, ठीक है, एग्जाम क्रैक करने के प्रैक्टिकल टिप्स हैं। यस, नवनीत का आया, अभिषेक का आया, अरक्तिम मुखर्जी, अच्छा नाम है, अबू का आ गया, चलो समझ में आ रहा है तो नोट्स बनाओ, याद रखना इस चीज को। फिर बच्चे होता क्या है कि हर एक महीने में फिर YouTube पे चले जाते हैं, फिर YouTube पे, YouTube में भाई समुंदर है, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, और इसी चीज को फॉलो करते रहो, यही चीज आपके काम देने वाली है, ठीक है। बिकॉज मैंने खुद यार किसी भी सिलेक्टेड, अभी आपको अगले हफ्ते जो अगले हफ्ते जो सेशन होने वाला है उसमें आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में लेके आऊंगा, कोई कस्टम्स में है, कोई मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम में है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं, सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एक ही बात करेंगे, वही सेम बात मैं आज बता रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद पता चलेगा, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर बोलेगा कि अगले साल की तैयारी करेंगे। अरे इसी साल जितना मेहनत है झोंक दो ना, मेहनत करो, दो ही चीज होती है लाइफ में, या तो आपको सक्सेस मिलती है, दोनों एस से आता है, एफ से कुछ नहीं आता है, ठीक है, एफ से फेलियर नहीं होता है, एफ से हालांकि एक और वर्ड होता है लेकिन वो वर्ड भी नहीं है, ठीक है, या तो सक्सेस या तो सीखना, या तो आप इस एग्जाम में सक्सेस पाओगे या तो आप सीख के अगली एग्जाम में काम, वो अगली एग्जाम कब है, कहाँ है, कैसे है पता नहीं, बस नॉलेज लेते जाओ, एग्जाम देते जाओ। हो सकता है जो आपने इस एग्जाम में सीखा जनवरी फरवरी में कोई ऐसी वैकेंसी आ गई, बड़ी सी DRDO टाइप वैकेंसी आ गई, या फिर DSSB की वैकेंसी आ गई,
कहीं की भी कोई भी वैकेंसी आ गई और आप बोलोगे सर अब तैयारी करूं क्या, तब नहीं हो पाएगा। आपने अगर अभी तैयारी की है तो ये तैयारी का फुल यूज वहां कर सकते हो, वहां यूज करके फिर आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। एंड गोल क्या है, नौकरी पाना, नौकरी आपको मिल जाएगी, ये सब चीजें प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट्स है मैं देख लूं। ओके, आप लोग को मैंने यूट्यूब पे, प्लीज सभी लोग, मैं यूट्यूब पे रिक्वेस्ट करता हूँ आप, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सभी जुड़े हैं, आई थिंक सभी लोग मेरे बड़े बैच की स्टूडेंट प्राइवेट चैनल का, मैं इस चैनल का लिंक जल्दी शेयर करता नहीं किसी के साथ में, बिकॉज जो मेरे स्टूडेंट्स साथ में मुझसे जुड़ते हैं मैं सिर्फ उन्हीं लोग को इस चैनल का लिंक शेयर करता हूँ। सो इसमें क्योंकि कभी कभी बहुत स्ट्रेट वीडियोज आ रहा था, मतलब बच्चे बुरा मान जाते हैं, ऐसे टाइप वाले वीडियोज आ जाते हैं इसमें। सो इसीलिए ये मैं चैनल लोगों को जल्दी बताता नहीं हूँ। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट बात सुननी है, हार्ट टू हार्ट वाली वीडियोस चाहिए, इसमें मुझे ज्यादा भीड़ चाहिए ही नहीं। मुझे इस चैनल पे मैं चाहूँ तो मैं बहुत व्यूज ला सकता हूँ, लेकिन मुझे व्यूज नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखो सिलेक्शन सभी बच्चों का नहीं होता है, ठीक है। फॉर्म लाखों बच्चे भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ हजारों बच्चे ही लेके जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ उन हजार में से कितने जुड़े, 29 बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ ये 29 बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों के साथ में मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर आपको प्राइवेट लिंक्स भी मिलेंगे, अभी आपको दिखेगा नहीं, वो जो मैं लिंक शेयर करूंगा वो सभी प्राइवेट लिंक्स रहेंगे, वो यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। वो ऋषि तिवारी वाला बड़ा चैनल है, वहां पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट चैनल है यहाँ पे, आपको ये नंबर ये लिख लेना है। और इसके अलावा आप सभी को व्हाट्सएप, ठीक है, wa.me/ कहाँ गया, +918591090961, ठीक है। इस नंबर को आप लोगों को करना है अपने फोन में, क्या, चलो आपको लिंक ही दे रहा हूँ सीधा, ठीक है, व्हाट्सएप का सीधा लिंक दे रहा हूँ। सब लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आप लोग को मेरे व्हाट्सएप पर खुल जाएगा, वो जो बिजनेस व्हाट्सएप है, जो स्टेनो स्कूल का व्हाट्सएप है, वो खुल जाएगा। वहीं पे आप डायरेक्टली उस नंबर को सेव कर लो एज ए स्टेनो स्कूल करके, ठीक है। और बता दो सर सेव कर ले तो मैं भी सेव कर लूंगा आपका नंबर, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इतने बच्चे मुझसे जुड़े रहें, कुछ ना कुछ फ्री में रिसोर्सेज मिलती रहेंगे। और आप समझ सकते हो कि फ्री में इतना रिसोर्सेस मैं दे रहा हूँ तो पेड वाले में क्या क्या मिलते हैं, स्टूडेंट को बहुत कुछ मिलता है पेड वाले वीडियोस में भी। आप आने वाले टाइम में पेड वीडियोस भी धीरे धीरे होंगे, सो पेड सेशंस में और चीजें पता चलेंगी, ठीक है। एक बार एग्जाम तो होने दो, एग्जाम होने के बाद में बहुत कुछ आपको पता चलता रहेगा, ठीक। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई साइड कि कैसे आपको मोटा मोटा हर चीज करना है। रीजनिंग की प्लेलिस्ट बता दी, इंग्लिश का आपको वीडियो बता दिया, और चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, वीडियोस का लिंक भी दे दूं क्या, चाहिए वीडियोस का लिंक। इंग्लिश का वीडियो कहाँ है, एक सेकेंड, चलो जो यहाँ पे आए हैं, लिंक चाहिए क्या, लिंक के लिए एल टाइप करो, इंग्लिश का लिंक चाहिए तो एल टाइप करो। एल आते ही मैं आप लोगों को अभी लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को ना जैसे खोलोगे आपकी हिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। एक बार आपकी हिस्ट्री में आ गया तो आप आराम से उसे बाद में जाकर देख सकते हो। कहाँ है, अरे अरे काफी लोग का लिंक आ गया, ओके दीजिए एल 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 एल, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू मोहम्मद, लव यू टू, लव एवरीवन, एवरी स्टूडेंट जिस जो पढ़ाई करता है और जो सिलेक्शन लेने वाला है, दैट इज माय बेस्ट स्टूडेंट। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ बकवास करते हैं उन लोग को यूट्यूब में वीडियोस दे देता हूँ, जाओ यूट्यूब में आप वीडियोस देखो, आप टाइम पास करो और आप यहाँ वहां घूमते रहो, ठीक है। ये रहा उस इंग्लिश वीडियो का लिंक, ठीक है, सभी लोग इस लिंक पर एक बार क्लिक कर लेना, आपके हिस्ट्री में चला जाएगा बाद में इस सेशन के बाद में, ठीक है। अभी हमारा Q&A सेशन स्टार्ट होने वाला है, ओके। सो 45 मिनट का ये हमारा सेशन था, अभी हम Q&A स्टार्ट कर रहे हैं। एक और वीडियो का लिंक मिल दे रहा हूं मैं आपको, ये था इसके पहले इंग्लिश वीडियो प्लस स्ट्रैटेजी की भी बात की, बट वो स्ट्रैटेजी थोड़ी आउटडेट हो चुकी है, मतलब वो स्ट्रैटेजी मैंने जनरली बताई थी, अब अक्टूबर के हिसाब से मैंने 2-3 महीना लेकर बताई है, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन ये सब वीडियो देखने आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जो यूट्यूब में आप यहाँ वहां भागते हो ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये लंबा वीडियो है, एक भी एडवर्टाइज नहीं आएगा, क्योंकि प्राइवेट वीडियो है, ठीक है। सो एक भी एडवर्टाइज आपको मिलेगा नहीं। और अभी भी बच्चे लिंक मांग रहे हैं यार, क्या बताएं बच्चों का। चलो अब इस सेशन का लिंक मांग रहे, सेशन खत्म हो चुका है, अब जिसको जिसको होगा सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। एक और आपको साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि है GS सेशन, ठीक है, स्पेशल क्लास ऑन GS, कहां गई, हाँ ये रहा, गेट शेयरेबल लिंक, हाँ, सो ये आ गई आपके पास GS का लिंक, दिल थाम के बैठिए दोस्तों, आपके पास में आ गई है GS की वीडियो, ठीक है, GS वीडियो लिंक, ठीक है। ये भी आपको एक बार क्लिक कर लो,
तो आपकी हिस्ट्री में चली जाएगी. ओके, सो इस सेशन में आना यूजफुल था या वेस्ट था, मजा आया या टाइम वेस्ट हुआ, बताओ. आई होप सभी को मजा आया इस सेशन में, सभी को काम की बातें सीखने मिली, सभी को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली लाइफ में. ठीक है, जो यहाँ वहां भटके हुए थे, जो कुछ भी आता पता नहीं था इस सेशन में आने से पहले, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला है, कुछ ना कुछ पता चला है. जो लोग एडवांस है उनको भी एक वापस से मैंने ट्रैक पर लेके आने का काम किया है कि सर थोड़ा जो भटक गए तो वापस बता दो, शॉर्ट हैंड कब करें, शॉर्ट हैंड आपको बता दिया कब करना है, इंग्लिश कब पढ़े, सब कुछ आपको पता चल गया. ठीक है, चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ स्टॉप, एंड ये हो गई.